नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं राज न्यूज चैनल। जैसा कि हम 24 कोसी परिक्रमा के जो भी मार्ग हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रामपुरा और गोलाना से बीच में, और आप देखेंगे पीछे से श्रद्धालु हैं जो रामपुरा की तरफ से आ रहे हैं, और इधर चलेंगे तो गोलाना ये नदी है जिस नदी का ये रास्ता पार कर रहे हैं। जैसे बात करें, आज परिक्रमा को 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या है वैसी की वैसी बनी हुई है। कल अमावस का स्नान करने के बाद सभी अपनी यात्रा वो पूरी करेंगे। आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाइए कितने लोग हैं अभी भी इस परिक्रमा मार्ग में पहुंचने वाले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन सी जगह से? सीकर जिला। सीकर से आए हो? कितने दिन से यात्रा कर रहे हो? 3 दिन से। 3 दिन से। अभी यहाँ से लोहारगढ़ धाम है वो कितनी दूर? थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर बाद आपकी यात्रा पूरी। फिर नहा धो के सुबह अपने घर को रोज। तो अमावस जैसे कल है तो 12 बजे से लोग यात्रा लाना शुरू कर देंगे 12 के बाद से। कैसा लगा इन पहाड़ियों में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहाड़ियों में एकदम हरी भरी पहाड़ियां हैं, और जनता और कितने बंडा, कम से कम भी 5 लाख है लगभग। 5 लाख। आप देखेंगे जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये आप देखेंगे सेकाउटी की पहाड़ियों का नजारा, और इस नदी मार्ग से श्रद्धालु है जो यहाँ से गोलाना जाएंगे। गोलाना जाने के बाद सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा है वो समाप्त करते हैं। प्रत्येक यात्री है जो लगभग 3 या 4 दिन तक इस 24 कोसी परिक्रमा में भाग लेते हैं, और पूरे राजस्थान और हरियाणा से भी यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु है जो पहुँचते हैं। ये जो नदी मार्ग आप देखेंगे, ये नदी मार्ग है जो गोलाना होता हुआ 24 कोसी परिक्रमा लोहारगढ़ में समाप्त हो जाती है। इस परिक्रमा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। और जैसे बात करें, इस 24 कोसी परिक्रमा में राजस्थान के जो 40 साल से 50 साल के वर्ध हैं वो सबसे ज्यादा इस यात्रा में भाग लेते हैं। यात्रा में जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी अंतिम पड़ाव का ये नजारा आप देख रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रामपुरा से गोलाना जाने वाली नदी मार्ग पे। मैं भाई फेरी में जा रहा था। भाई अब लोहा करतन खड़ा दूं मैं। तो इस स्नान जी आज कर सो कि सुबह कर सो? भाई साहब कब कटे रुक सो? मैं रुक सो हूं का नारायण का, देव नारायण का धर्मशाला में रुक। हां देव नारायण लोग आए जब की बात है। मैं 25 हां भाई साहब 25 जना। कौन सा गांव है जो? गुरारास। गुरारा खंडेला सो? नहीं गुरारा खंडेला का खंडेलो या गो गुरारा ही छ। तुम महिला महिला जो पुरुष को नाएगी साथ है भाई साहब? पीछा लगेगी घूम तो कौन जाओ तो कितना सारा आदमी घुमा भाई साहब। कितनी परिक्रमा कर दिया? 30 कर दिया। अब की बार परिक्रमा में जो कसो का आनंद है बहुत बढ़िया है। रास्ता वास्ता सही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी की यात्रा और कर दो भाई साहब? गोटा ध्रुवा और देगा जितन कर दी तो। मंगलसूत्र? मंगलसूत्र कितना का? 100 का 4। मंगलसूत्र बहुत महंगा बनी यार, ये पूछा ही ये अल्टीमेशन है। कितना रुपया को ये? 25 रुपए का। 25 रुपए का। नमस्कार जी, ले जाओ। नमस्कार जी। नहीं जी, क्या करें, सस्ता है दे रहे जी। 25 रुपए एक दे रहे बताया। 25 रुपए के मंगलसूत्र है? नहीं जी। बाकी एक है उसी जगह से आए जो? रतनगढ़। रतनगढ़ से कितना जना है जो? 10-15 जना। चाची जी को ले गए? ले आए जी। अब गाड़ा को ले आए? अब कड़क ना है कई बात हुई यार। भाई खूब आनंद ले रहे थे। हाँ बोलो भाई। कुछ जगह तो है अच्छा, साइड में जाओ बच्ची थोड़ा। अरे चलता रहो भाई। ऐसे कुछ तो नाश्ता ही जा थे यार। नाश्ता जमा तो पर तोड़ दूँ क्या? बोल बोलो एकदम मत तू मौज कर रहा है। हनुमत जे सा पाय गया से संगम से बहुत मौज हो रही है।
अब वो ये परिक्रमा पूरी अब चला महाराज नवा कर तो स्नान अब करते हो सुबह करते हो अब कटे रुक रात ने अब लोहा के रुख तो बड़े तो खूब भीड़ होली पहला खड़ी पूरी रात पूरी रात तो पूरी परिक्रमा में नाचता है जो पूरी परिक्रमा में नाचता है कती परिक्रमा कर दिया करी तो तीन ही कर दो जना कहीं नहीं सोचा दादी से कती कर दिया हाँ ना तो कती परिक्रमा कर दिया पांच ही मैं करी हूँ पांच ही करो तेर माठ आठ तेर के माठ कर दिया ते भी आठ कर दिया आठ कसो का आनंद आयो क्यों आप परिक्रमा बहुत बढ़िया हमारे को परिक्रमा में बहुत अच्छा आनंद आया हमारी परिक्रमा 22वीं परिक्रमा है हाँ सभी से निवेदन है कि जय श्री राजी सभी भक्तों से निवेदन है शांति बनाए रखें और अपनी बारी से प्रसाद ग्रहण करें आराम से माल के क्या प्रसाद है अन्न देवता है अन्न का अपमान ना करे झूठा ना छोड़े साली को बस हिल में डाले आराम से बाबा माल के क्या प्रसाद है कर्तानों की ना करे आराम से प्रसाद ग्रहण करे जय श्री नाथ जी बंदारा सभी व्यवस्था बनाए रखे आराम से प्रसाद ग्रहण करे सभी को भक्तजनों को सभी से निवेदन है कि सब आराम से प्रसाद ग्रहण करें जय श्री नाथ जी भंडारा बाबा मार्केट को प्रसाद है गोंदिया गुजिया गरम गरम चपाती बाजरा की रोटी कतिक साल सु पांच छह साल कौन सी जगह सुजो गुमाइंडानी माइंडानी पापलोन कताल लोग काम करो जो आगन सी दे आगन है हां चल यार नर्ती के काले जी ओ नर्ती के काले जी की नानी